हेलो गाइज, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ मैनीक्योर। तो मैं भी आज काफ़ी टाइम के बाद मैनीक्योर करूँगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए क्योंकि मेरे हाथों की हालत ना कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मेरे अगर आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो मेरे रेगुलर बेसिस पे, तो कुछ मेरे जो इसके एक दो वीडियोज़ पहले में मेरे जो हाथ थे ना, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। नेल पेंट तक नहीं निकली थी अच्छी तरीके से। तो मैंने सोचा कि मैं आज मैनीक्योर करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी अपना वीडियो। तो आप लोग देख सकते हो मैं मैनीक्योर कर चुकी हूं और अभी कुछ इस तरह से मेरे हाथ लग रहे हैं। और मैनीक्योर मैं सिर्फ यहां तक नहीं करूंगी, मैं कंप्लीट पूरी आर्म्स पे करूंगी, पूरा यहां तक एल्बो से लेकर के यहां तक कंप्लीट जो है वो करूंगी। और इसका जो मैनीक्योर करने के बाद जो रिजल्ट था ना, वो देखकर मैं बिल्कुल शॉक रह गई, अमेज रह गई कि मतलब कि एकदम से उसने चेंज कर दिया था पूरे स्किन टेक्सचर को। आप लोग जब करोगे तो आप लोगों को भी पता लगेगा, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और साथ के साथ स्किन में ना मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छा सा लुक आएगा। तो आज मैं इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, जल्दी से मैनीक्योर स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप नंबर 1 से। सो गाइज, मैनीक्योर का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है अपनी पुरानी नेल पेंट को रिमूव करने का, ताकि हम अपनी पसंद की नई नेल पेंट लगा पाएं। तो सबसे पहले अपनी नेल पेंट को रिमूव कर लीजिए। तो अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, तो वो है क्लीनिंग। पर उसके पहले आप लोग देख सकते हो मेरे हाथों की हालत, मेरे नेल्स की हालत जो बिल्कुल भी प्रॉपरली फाइल्ड नहीं है। आपने हाथों में कोई भी ज्वेलरी पहनी हो, आप ज्वेलरी को पहले निकाल लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ल्यूक फॉर्म वाटर लेना है और सबसे पहले उसमें आपको डालना है सॉल्ट। आप उसमें नमक डाल दीजिए करीब 1 चम्मच। उसके बाद हम यहाँ पर लेमन लेंगे, क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, हमारी हाथों से वो डर्ट को अच्छे से निकालता है और स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लेमन यहाँ पर डालेंगे और फिर आप यहाँ पर कोई भी आपका शैम्पू हो शैम्पू डाल सकते हो, बॉडी वॉश हो आप बॉडी वॉश भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर बॉडी वॉश डाला है और उसके बाद हमें अपने हाथों को इसमें कम से कम 10 मिनट के लिए डिप करके रखना है। फिर जो स्टेप आता है वो होता है हमारे नेल्स को फाइल करने का। आप यहाँ पर अपने नेल्स को कोई भी आपकी पसंद की कोई भी शेप यहाँ पर दे सकते हो और क्यूटिकल्स को जो स्किन होती है, एक्सेस जो एक्स्ट्रा जो स्किन होती है जो नेल्स को कवर करती है, उसे हमें पीछे की तरफ धकेलना है, पीछे की तरफ पुश करना है, ताकि जो हमारे नेल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके नेल पेंट को लगाने का। तो इस तरीके से आपको पुश करना है उसे। अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं स्क्रब। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले 1 चम्मच शहद लिया है, फिर 1 चम्मच चावल का आटा, फिर मैंने यहाँ पर नींबू लिया है, नींबू का रस, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पर स्क्रबिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि क्लीनिंग हो चुकी है, क्लीनिंग के बाद हमने नेल्स को फाइल कर लिया है। उसके बाद अब अच्छे से अपने हाथों को स्क्रब करना है, आपके नेल्स का जो एरिया है फिंगर्स का उसे स्क्रब करना है और एल्बो तक आपको कंप्लीट स्क्रब करना है। आप चाहो तो अपने कंप्लीट हाथों को, पूरे आर्म्स को भी स्क्रब कर सकते हो, बट मैं यहाँ से एल्बो से नीचे तक का एरिया को ही आज क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल भी दया करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से रगड़ रगड़ के आपको अपने हाथों को साफ करना है। अब हम यहाँ पर मसाज के लिए बनाएंगे। तो मसाज के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ ली है, शहद और एलोवेरा जेल। आप दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मैंने यहाँ पर रेडीमेड एलोवेरा जेल लिया है। अब हम यहाँ पर मसाज करेंगे। तो आप देख सकते हो मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लीन लग रही है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि स्क्रबिंग के बाद ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है स्किन। और अब हम यहाँ पर अच्छे से हमारे हाथों को मसाज देंगे और ये जो मसाज है हमें बहुत ज़्यादा जेंटली करना है और बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। हमारे जो नेल्स हैं, हमारे नेल्स के आसपास का जो एरिया है उधर पर मसाज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मसाजिंग का ये स्टेप है कि यहाँ पर जो है हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर हनी मिलाया था। अब हम बनाने जा रहे हैं हैंड पैक। तो हैंड पैक मैंने यहाँ पर मिलाया है, उसमें क्या क्या है, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच गेहूं का आटा, और अब यह यहाँ पर लास्ट में मिलाने जा रही हूँ फिर से शहद, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है गाइस, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आ भी चुका है। तो उसमें जो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना, तो उसको हाइड्रेट रखने के लिए, सॉफ्ट रखने के लिए, सपल रखने के लिए हनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट है। अब इसको हम अपने पूरे हाथों पर अच्छे से लगाएंगे, करीब इसको जैसे आप फेस पे रखते हो वैसे इसे अपने हाथों पर 15 से 20 मिनट के लिए आप रख दीजिएगा।
अब आप देख सकते हो मैं अपने हाथों को धो चुकी हूँ और मेरे हाथ कितने ज़्यादा क्लीन लग रहे हैं, पहले से ज़्यादा वाइट लग रहे हैं, ब्राइट लग रहे हैं। और सच में हाथों को जब मैं टच कर रही थी ना तो ओह माय गॉड इतनी स्मूथ फीलिंग आ रही थी ना। अब यहाँ पर आप अपना कोई भी बॉडी लोशन या मॉइस्चराइज़र अपने हाथों पर अच्छे से लगा लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि धोने के बाद हाथों को मैनिक्योर के बाद जो है थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर बॉडी लोशन ज़रूर अप्लाई करें अपने हाथों पे। अब यहाँ पर आप अपनी कोई भी पसंद की नेल पेंट लगा लीजिए और नेल पेंट आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और अच्छे से लगाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कोट लगाऊंगी, सूखने के बाद अब मैं यहाँ पर उस पर एक और कोटिंग करने जा रही हूँ, ये उसका सेकेंड और फाइनल कोटिंग है। और नेल पेंट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगाना है, स्किन पे इधर उधर नहीं जानी चाहिए, प्रॉपर आपको नीचे से लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको अपनी नेल पेंट को लगाना है गाइस। तो मेरी नेल पेंट लग चुकी है, तो आप देख सकते हो कि मतलब क्लीन क्लीन हैंड्स कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं और किसे पसंद नहीं होते हैं। तो आप लोग भी घर पर ये मैनिक्योर ज़रूर कीजिए और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग होती है। जी आप लोग देख चुके हो मैनिक्योर कैसे करना है, आप लोग देख चुके हो 30 मिनट का टाइम आपको लगेगा कुल मिला करके। तो जब भी आप लोगों को वक्त मिले 30 मिनट का, आप लोग मैनिक्योर घर पे ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमें अपनी स्किन के साथ साथ अपने बालों के साथ साथ अपने हाथों का अपने पैरों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ टाइम के बाद मैं पेडिक्योर का भी वीडियो लेकर के आऊँगी, फिलहाल अभी हम मैनिक्योर कर लेते हैं अच्छी तरीके से। सो गाइज आप लोग घर पे इसको कीजिए और एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, आप कोई DIY देखना चाहते हो वो भी मुझको आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है गाइज आज के लिए इतना ही, आज मैं वीडियो अपना यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई होम रेमेडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइज, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी खाइए और खूब सारा पानी पीजिए। बाय गाइस।